अस्सलाम वालेकुम। कतर के रेटर में आप सबका स्वागत है। यदि आप कतर में रहते हैं, कतर के अहम तरीन खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। दोस्तों, कतर के बहुत ही अहम अपडेट आए हैं जो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, कतर चैरिटी की तरफ से ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश के जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको करीब 200 स्टूडेंट्स को उनका बैग, उनका ड्रेस, यानी जो भी पढ़ाई के अखराजात हैं, जो भी सामान है, बहुत सारे सामानों को बांग्लादेश में करीब 200 स्टूडेंट्स को मदद कर दिया गया है। बहुत से लोगों को, गरीब लोगों को भी मदद किया गया है। तो दोस्तों, जो तीसरी खबर है वो खबर यह है दोस्तों कि कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के तरफ से ये कहा गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है कि फ्रांस में जो कतर का एम्बेसी है वहाँ पर एक गार्ड की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाले फ्रांस के कुछ लोग हो सकते हैं और कतर ने इसको अपना दुख और व्यक्त करते हुए ये कहा है कि जल्द से जल्द उन कातिलों को पकड़ा जाए। और जो चौथा अपडेट है दोस्तों वो यह है कि कतर में जो मवासलात बसें चल रही थी, ओल्ड अल घानिम बस स्टेशन, वो 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी सफ़र कर रहे थे बस से वो अपना एहतियात से रहें, 15 जून से ओल्ड अल घानिम स्टेशन बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं खबरों की दूसरी तरफ। डेट्स है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि कतर में जो ग्रैंड मॉल है, ग्रैंड मॉल, ये छठवां जो ग्रैंड मॉल खुलने जा रहा है, कतर में छठवां ग्रैंड मॉल खुलने जा रहा है जो कि 25 मई को इंशाल्लाह ओपनिंग है इसका। 25 मई को ग्रैंड मॉल कतर में नया खुलने जा रहा है। इसमें उनके जो सीओ साहब हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।